इस बच्चे के साथ हरासमेंट हुई, लेकिन हुई एजुकेशन डायरेक्टर अनुराधा मैडम की वजह से, क्योंकि आज तक जितनी भी स्कूलों की कंप्लेने गई डायरेक्टर एजुकेशन अनुराधा मैडम को, अनुराधा मैडम ने उनसे टैचियों के रिश्ते बनाए थे, इसीलिए उनपे कोई भी किसी भी तरह की उनपे कोई काबिया मतलब की बंदिश नहीं लगाई गई स्कूलों पे। आज स्कूलों में गुंडागर्दी जहाँ तक आ गई, आप ये देखिए जंगलियों की तरह इस बच्चे को मारा गया, ये देखिए आप देख सकते हैं कैसे जंगलियों की तरह बच्चे को मारा गया। किस लिए मारा गया? ये सिर्फ इसलिए मारा गया, ये बच्चा गलती से क्लास में बैठा था, इसने चिंगम डाल लिया। तो मैडम आई, क्लास टीचर आई, उसने बोला बेटा आप चिंगम क्यों डाल रहे हो, छोटी मोटी बात ही, मैडम ने इसको पनिश किया तो बात खत्म। लेकिन वहीं पे आर्यन पब्लिक स्कूल आरएसपुरा के ऑनर नीरज गुप्ता जी है, उन्होंने उनको बच्चे को बुलाया और कोई कहते तेरी क्या औकात है, इस बच्चे को बोला गया तेरी क्या औकात है। तो आप मुझे बताइए कि इस बच्चे के साथ ऐसी हरासमेंट की गई, ऐसे इस तरह मारा गया जंगलियों की तरह। मैं आपको पूछना चाहता हूँ ये कहाँ की इंसाफ ना इंसाफी है, कहाँ का इंसाफ है? ये सारी जो नलायकी है डायरेक्टर एजुकेशन अनुराधा मैडम की है, क्योंकि डायरेक्टर एजुकेशन अनुराधा मैडम जब से आई है तब से केसी गुरुकुल जैसे स्कूल ये रिजल्ट तक नहीं दे रहे बच्चों को, जबकि 6-6 8-8 महीने की फीस इन्होंने खुद रोकी थी, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर था। जब इनके अटैचियों के रिश्ते बन गए, और अटैचियों के रिश्ते मैंने खुद साबित कर दिए, वो कैसे बने? वो ऐसे बने क्योंकि पहले तो 5 महीने आप मीडिया वाले भी जाते थे तो ये बोलती थी कि हम कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं हम।